क्लाउड कंप्यूटिंग की एक टिप शेयर करना चाह रहा था। बहुत से लड़के भी क्लाउड्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट क्लाउड, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। मैंने जो देखा है सो मेनी ईयर्स, और बहुत सारे आर्टिकल भी छप चुके हैं और उनमें बहुत सारी ब्रीचेज होती हैं, हैकिंग अटैक्स हो जाते हैं, और इट कैन बी एनीथिंग। ज़्यादातर जो वही होता है कि एंड यूज़र को अटैक करके और उस तरह से इन्वायरमेंट हैक होते हैं। डजंट हैव टू बी ए क्लाउड बट इवन ऑन प्रेम एंड रैनसमवेयर, आपने सुना होगा आजकल बहुत कॉमन है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब आप क्लाउड पे जा रहे हो तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज टू प्रोटेक्ट योर टेनेंट, प्रोटेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, चाहे अमेजोन हो, गूगल हो, व्हाटएवर। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए वेरी बेस्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज इनेबल MFA, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इट्स द सेम थिंग, डिफरेंट नेम्स। सो आप जब लॉग इन करें अपने अकाउंट पे, जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, जो कि आपका रूट अकाउंट कहलाता है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, जो रूट अकाउंट होता है। क्योंकि अगर आपका ये अकाउंट प्रोटेक्ट नहीं, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वाइप आउट हो सकती है। कोई भी उस लॉग इन कर सकता है अकाउंट पे, पहली बात पासवर्ड इजीली हैक हो जाते हैं, तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट हो सकती है। और इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल डिजास्टर, फाइनेंशियल एक्सपेंस टू योर कंपनी। कोई वहाँ पे लॉगिन कर सके, कोई 500 VMs अगर लॉन्च कर दे। सो देर आर डिफरेंट वेज टू डू द डैमेजेस। द फर्स्ट थिंग, आप एज सून एज आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से साइन करो, आप उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। और दूसरा कि वो अकाउंट दोबारा आप यूज़ ना करें रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए। फर्स्ट करें आपने VM बनानी है, यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, डोंट डू दैट। उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करो। अगर वो अकाउंट डिसेबल भी हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो आपका दूसरा वे है टू गो बैक एंड रीसेट। तो अपने डोर क्लोज ना करो, शुड हैव मोर देन वन अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल। दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप। आप कोई भी क्लाउड की डिप्लॉयमेंट करो, कोई भी क्लाउड का सेटअप करो, वन मस्ट मेक श्योर आप एज एन अगर आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, किसी कस्टमर पे जा रहे हो, उसका एनवायरनमेंट एसेस कर रहे हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क कि भाई आपके जो है ना कितने अकाउंट है, कौन मैनेज कर रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल की या नहीं की है। क्योंकि वहाँ पे अभी नई डिप्लॉयमेंट हो रही है, इतना एक्सपोजर नहीं है, ये लेसन लर्न है इसको। आप अब इंटरनेट पे सब कुछ है, सो यू जस्ट नीड टू डू सम स्टडी अगर नहीं पता। लेकिन वेरी सिंपल स्टेप है, आप जाके देख लो। तो अब ये चीज़ ब्रीचेज वगैरह हो गई, तो ऐसा नहीं कि अगर आपके एनवायरनमेंट में चीज़ होती है और आप बोलते हो हमें तो पता नहीं, दैट मींस यू आर नॉट अप टू डेट। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट। जो आप अपने काम कर रहे हो उसमें आपको ऊपर रहना पड़ता है, आपको उसकी नॉलेज एंड स्किल सेट टॉप पर रखने पड़ते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल थिंग है, वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन है। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है क्लाउड डिप्लॉयमेंट की। यूजुअली नहीं होता, लेकिन मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर देखा है और आई थिंक उधर ऑप्शन होते हैं, इवन कि अमेजॉन वेब सर्विस आप इनेबल करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग, आप उसको इनेबल कर लें। और इसके बाद जो है आप मोर देन वन अकाउंट बनाएं, दो या तीन अकाउंट बनाएं, ज़्यादा भी नहीं बनाएं बहुत सारे, ताकि आप उसको मैनेज ना कर सकें। एटलीस्ट उस अकाउंट के अलावा दो, एक या दो और अकाउंट बना लें। और जो आपका रूट अकाउंट है, जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्रिएट किया, उसको कहीं जगह पासवर्ड प्रोटेक्टेड कीजिए, एनवेलप में किसी सेफ लॉक में रख दो, और एवरी 14 डेज या 30 डेज में उसकी जो है ना आप जाके सिर्फ पासवर्ड जाके चेंज कर लो, ताकि आपको पता चले। ऐसा ना कि आपने रख के भूल गया और 6 महीने तक आपको पता नहीं है। सो दैट्स अनदर बैड प्रैक्टिस। सो कीप अ रेगुलर इंटरवल एक्टिविटी, उस पर आप देखते रहो कि किस तरीके से आप अपनी क्लाउड की डिप्लॉयमेंट को सिक्योर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बस यही कहना था इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, प्लीज डू कमेंट, शेयर करें, लेट मी नो योर थॉट्स एंड सजेशन इन द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you and bye.